भेजकर उसे बदनाम कर रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जल्द ही उसे जेल भेज दिया जाएगा। वही पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी रानी पोखरी निवासी प्रवीण से हुई थी। वह अपने पति से अलग रह रही है। कुछ समय पहले उसके पति ने भी फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की थी। उसने आशंका जताई है कि आरोपी युवक भी कहीं उस पति के